ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू 8th एपिसोड ऑफ थाईलैंड। तो इस वीडियो में हम फुकेट के नाइट लाइफ को देखेंगे और नई चीजें ट्राई करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वेलकम अगेन इन द इवनिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट, जो बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट है उसको विजिट करने के लिए। अभी हम लोग रुके हुए थे होटल में, होटल से जस्ट निकले और अभी जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरह। देखो तो कुछ ऐसा हो रहा है वॉकिंग स्ट्रीट से पहले ही, फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स भरे हुए। और अभी जो है फुकेट में अभी हाई सीजन चल रहा है, तो होटल के प्राइसेस वगैरह सब महंगा है अभी। अभी रात का 12 बज रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा माहौल चल रहा है अभी का, जबकि हम लोग बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पहुंचे भी नहीं। यार आप यहाँ का माहौल चेक करो, तो घूमते घुमाते हम लोग पहले पहुंच गए शॉपिंग करने जहाँ मैंने खरीदा। तो गाइज, मैंने ये खरीदा टी शर्ट और शर्ट, जो कि मुझे 400 थाई बात का पड़ा। और फिर हम लोग पहुंच गए द फेमस नाइट लाइफ का अड्डा इन फुकेट, पटोंग बीच, बांग्ला रोड। और बांग्ला रोड में इंटर करते ही माहौल पूरा बदल चुका था। रोड्स के दोनों साइड पर पब्स एंड बार्स थे, और किसी पब पर सीला को जवान किया जा रहा था तो किसी पब पर मुन्नी को बदनाम किया जा रहा था। खैर छोड़ो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट हम इंडियंस का फोकस तो रशियंस पर ही रहेगा। क्यों, सही कहा ना? और गेट की स्टार्टिंग में ही सोचा क्यों ना सीला को जवान होता वो देख लूँ, पर मैं उसे देखता उससे पहले उसने मुझे देख लिया। साथ ही साथ वीडियो बनाने के लिए पोज भी मार दिया उसने। अब रशियन से मेरा फोकस हटा भी नहीं था, मैंने देखा क्या, और फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक यूरोपियन अंकल इज डीलिंग विद ए फ्रीलांसर दीदी। अब ये दीदी है या भैया, ये तो अंकल ही जाने। और पब्स और बार्स के बाहर इतना अच्छा लाइटनिंग और बोर्ड्स पर साइन बने होते कि आपको पब के अंदर जाने में मजबूर कर देंगे। और अगर आप फिर भी अंदर नहीं गए तो उनके पास एक निंजा टेक्निक है आपको अंदर बुलाने के लिए। ये लोग जो बाहर डांस कर रहे हैं उसकी वजह से खींचे चले जाते हैं लोग, औरत के चक्कर बाबू भैया। और तो और फुकेट वॉकिंग स्ट्रीट में इंडियन फूड भी मिल रहा है, वाह डोसा, क्योंकि फुकेट पटाया जैसे जगहों पर इंडियंस ने कब्जा कर रखा है। रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे गाइस, बट यू कैन सी कि अभी भी कितना क्राउड है इस स्ट्रीट में। और एक चीज बताओ तो थाईलैंड में रात भर लोग पार्टी करते हैं और दिन में सोते हैं। देन मुझे थाईलैंड में नजर आया ये जोकर टिकटॉक वाला। अब इसको इग्नोर करके आगे बढ़ा तो चील सी निगाहें हैं मेरी, रशियन ढूंढ ही लेता है तेरा भाई। तो मेरी नज़र पड़ी इस रशियन पर। तो गाइस, ये कुछ नज़ारा का वॉकिंग स्ट्रीट का,
यहाँ पर है ना कि आप पार्टीज के लिए आ सकते हो। पार्टीज के लिए फेमस है बैंकॉक का आपका खाओसान रोड, पटाया का वॉकिंग स्ट्रीट और बांग्ला स्ट्रीट हो गया आपका फेमस फुकेत में। तो आप देखो रात का 11 बज रहा है, कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भड़ा का और इतना ज़्यादा लाइटनिंग, वाओ। अब हमने शॉपिंग तो कर ली बट तय कपड़े लेके पब के अंदर जाएंगे कैसे वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा इसको कहाँ रखेंगे, इल्यूजन तो चले जाएंगे। अच्छा ठीक है डन। गाइज इफ यू कम टू द बांग्ला स्ट्रीट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आप अगर इल्यूजन आते हैं तो आपको इल्यूजन में सबसे ज्यादा पब क्रॉलिंग और पार्टी करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पब्स तो बहुत सारे हैं लेकिन इल्यूजन इज बेस्ट। और तो और मैं आपको बता दूं कि जो इल्यूजन पब एंड बार है ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 रैंक में सबसे बेस्ट कैटेगरीज पब्स एंड बार्स में और थाईलैंड में पहला नंबर पे आता है। तो गाइस हम आ चुके हैं अलग दुनिया में, सो वी आर फाइनली इन द हेवन ऑफ थाईलैंड पटाया मेरी जान। और अंदर जाकर आपको पता चलेगा कि यहाँ की वाइब और जो एनर्जी है और जो म्यूजिक काफी जबरदस्त है। और मैं अगर आपको बता दूं तो इल्यूजन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और बार्स की तरह, बट इसमें और एक तरह से आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप पैसे लगा के एंट्री लेते हो जो कि 1100 थाई बात लगता है, तो आप एंट्री लेते के साथ अंदर जितना चाहे उतना ड्रिंक फ्री ऑफ कॉस्ट पी सकते हो। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री लेते हो तो अंदर जाकर आपको ड्रिंक के पैसे देने पड़ेंगे जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। सो आप अंदर जाओ एंजॉय करो और बाहर आकर ड्रिंक वगैरह करना है तो बाहर आकर लोकल पब्स और बार्स में करो, अदरवाइज 7-11 भी स्ट्रीट में वहाँ आके आप कर सकते हो। बाहर निकल गए और अभी एक बार में बैठे हुए, आप देखो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। ओ। और बियर एंजॉय कर रहे हैं। फिर एक बाहर वाले पब पर बैठकर हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट का माहौल चेक करने लगे। माहौल चेक करते करते पता ही नहीं चला कब हम लोगों की दोस्ती हो गई वहां पर काम करने वाले लड़कियों से। फिर हमने साथ में 2 से 4 गेम्स खेली जो कि थाईलैंड में बहुत ही फेमस है। कुछ बातें भी करी अबाउट थाईलैंड और इंडिया। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी वीडियो। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।